जो आदमी इसमें और डाल दिया उसके साथ बैठ जाओ ठीक है। ओ इंदा देखो ओ ड्रिप का हो गया बंद करो बंद करो हेलो ये देखिए बीआरओ द्वारा एक ये ब्रिज बन रहा था देवक नदी के ऊपर और इसमें अपेरेंटली अभी ऐसा हुआ है कि स्लैब डाली जा रही थी और वो शटरिंग नीचे गिर गई है और उसमें 27 जो लेबर के लोग थे वो काम कर रहे थे और उनको इमीडिएटली रेस्क्यू कर लिया गया और थैंकफुली कोई कैजुअल्टी नहीं है। दो लोग क्रिटिकल हैं लेकिन उनको एमसीएच में भेजा गया है जम्मू में। हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर भी इस समय वहीं पे हैं, उनको देख रहे हैं और कुछ और लोगों को हमने फर्दर कंसल्टेशन के लिए वहाँ भेजा है लेकिन वो स्टेबल हैं और कुछ लोगों को यहाँ रामगढ़ के हॉस्पिटल में और कुछ यहाँ विजयपुर एक्सीडेंटल हॉस्पिटल में हैं। मैं अभी सब लोगों से मिली हूँ खुद और सब ठीक हैं, स्टेबल हैं लेकिन उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है कि कोई अगर कोई कॉम्प्लिकेशन बाद में ना हो जाए उसके लिए इनका ध्यान यहाँ रखा जाएगा और मैं समझती हूँ कि सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेट्स होप कि जो हमारे लोग वहाँ इस समय हॉस्पिटल में जम्मू हैं वो भी ठीक रहें, उनके उनको उनका ट्रीटमेंट वहाँ शुरू हो गया हुआ है और उनकी वहाँ पे भी देखने के लिए डॉक्टर्स के साथ हमारी बात हुई है और वो बता रहे हैं कि उनको वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ट्रीटमेंट को जो वहाँ पे उनको दिया गया है। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है जी बिल्कुल। कितना बड़ा हादसा हुआ, किसी लोगों की जान जा भी सकती, क्या इस पर इंक्वायरी करी? बिल्कुल, ये देखिए अभी हमारा इमीडिएट कंसर्न तो रेस्क्यू का है और वही हमने किया है। इमीडिएट सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया और सब जो घायल थे इमीडिएट उनको मेडिकल हेल्प भी मिल गई। टेक्निकली क्या हुआ है वो कल हम देख लेंगे, अभी अपेरेंटली जैसे मैंने बताया कि स्लैब डाली जा रही थी और शटरिंग गिर गई। क्यों